तो जी आ रहे हो इंदौर और आए हैं आप 56 दुकान पर, तो यहाँ पर विजय चाट हाउस पे नहीं आए तो यार आपने कुछ नहीं खाया। यहाँ की कचौरी, यहाँ का एक फ्राइड खम्मर ढोकला इतना फेमस है, वो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से बनता है, कुछ यूनिक ही दिखाऊंगा, कुछ अच्छा सा ही दिखाऊंगा। पहले क्या लगा रहे हैं? खोपड़ा पेटी। ये क्या है भैया? इमली चटनी, लहसुन वाली चटनी। और ये भाई हमारा फ्राइड खम्मन है, वो दोबारा फ्राई हो रहा है, री फ्राई हो रहा है। और ये आ गया, ये आ गई मीठी चटनी, ये हरी चटनी, ये आ गया आपका दही, ये नमकीन। हेलो भैया, कैसे हो? एकदम बढ़िया। तो बड़ा प्यारा गजब का स्वाद है, मैंने आपके दो आइटम चखे, खोपड़ा पेटीज खाई, आपके आगे खम्मन ढोकला खाया फ्राइड वाला, जो हमने आज से पहले देखा ही नहीं था, गजब का टेस्ट था भाई, मैं तो सोच नहीं रहा था कि ऐसा स्वाद होगा। ये फ्राई खम्मन सिर्फ हमारे यहाँ मिलता है, उसमें तीन तरह की चटनी आती है, ऊपर से सेव आता है, पर हमारा जो मेन है ये खोपड़ा पेटीज है। खोपड़ा पेटीज इसका जो ऊपर का कवर रहेगा वो आलू का रहता है, इसको आप ब्रेक करेंगे तो अंदर नारियल का मसाला रहेगा। थैंक यू सर, धन्यवाद। क्या खाने आए हो आप? बस अभी पोहा खा रहे हैं। मैं सौरा वड़ा खा रहा हूँ। कचौरी कैसा लगा? अच्छा है, बहुत बेस्ट है, बेस्ट। तो भाई विजय चाट हाउस के खोपड़ा पेटीज, फ्राइड खम्मर ढोकला, और ये सिकंजी बोलते हैं इसको, लेकिन ये बता रहे थे ये सिकंजी में नींबू वगैरह नहीं होता है, इसमें होता है भाई मिल्क। ये देखिए आप थिकनेस चेक कीजिए भाई, और ये देखिए कितना थिक टेक्सचर है, और इसमें होती है भाई रबड़ी। एक बार प्राइस की भी बात कर लेते हैं, ये 75 रुपीज का है, खोपड़ा पेटीज 20 रुपीज की है, और फ्राइड खम्मर है वो है आपका 40 रुपये का। तो भाई सबसे पहले ट्राई करेंगे इनका खोपड़ा पेटीज। ये देखिए पहले तो करते हैं इसको ओपन, काफी सॉफ्ट है भाई, और जैसा कि इसका नाम है खोपड़ा पेटीज, तो इसके अंदर देखिए आप खोपड़ा मिलेगा आपको, और इसको सर्व किया है मीठी चटनी और खट्टी चटनी के साथ में। अमेजिंग यार, अमेजिंग, कहने को तो बहुत सॉफ्ट है लेकिन पूरा अंदर तक चिका हुआ है, बहुत अच्छा टेस्ट है भाई, बहुत अच्छा है। विजय चाट हाउस अपने इसी चीज के लिए फेमस है, और ट्राई करते हैं भाई इनका ये फ्राइड वाला खम्मण, ये चेक कीजिए इन्होंने कितने पीस दिए हैं, ये 40 रुपये का है और इसमें 5 पीस हमें मिले हुए हैं। भाई फ्राइड वाला खम्मण हमने केवल यहीं पे देखा है, इससे पहले नहीं देखा था, और इसको खा के देखते हैं ये कैसा है, लेते हैं बाइट। फ्राइड खम्मण में जो टेस्ट आ रहा है यार, वो टेस्ट ऐसा आ रहा है जैसे ब्रेड पकौड़ा वगैरह खाते हैं, लेकिन ब्रेड पकौड़ा का टेस्ट होता है वो थोड़ा सा और डिफरेंट होता है, तो उसमें आलू वगैरह का मसाला होता है, इसमें कोई मसाला नहीं होता है, लेकिन जो ब्रेड पकौड़ा की ऊपर की लेयर होती है उस वो वाला टेस्ट इसमें आ रहा है, उससे काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो फ्राइड खम्मण भी मस्ट ट्राई आइटम है इनके यहाँ का, और फाइनली टेस्ट कर लेते हैं यार इनकी। ये सिकंजी ये बोल रहे थे 75 रुपये के हिसाब से, यार स्वाद कैसा है वो अब देखते हैं। स्पून दिए इन्होंने खाने के लिए, इसमें क्या निकलने वाला है पता नहीं। इसमें हल्का सा मुझे थोड़ा दही वाला फ्लेवर आ रहा है, लेकिन इसमें दही नहीं है, अगर डलता हो तो मेरी नॉलेज में नहीं है, बाकी ठीक है। लेकिन इनके ये दो आइटम खोपड़ा पेटीज और फ्राइड खम्मर ढोकला अमेजिंग है। आप अगर आ रहे हैं 56 दुकान तो विजय चाट हाउस की ये दो आइटम यार ट्राई करना तो बनता है, और भी आइटम हैं वो हमने ट्राई नहीं किए हैं, हमें यही अच्छे लगे तो हमने आपको यही दिखाए। और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।